हेलो क्लास में अभी बेटा कल मैंने आपको सिखाया था डिवीजन कैसे करना है। आप सबको डिवीजन करने आ गया 2 डिवीजन की, तो आज हम 2.4 के बाकी जो सम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे 2.4 का सम नंबर है 3, क्या है 216 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन अ कार्टून। ये कार्टून के अंदर 216 एप्पल्स पैक हो सकते हैं। हाउ मेनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 36,99,216 हर कार्टून में कितने एप्पल आ सकते हैं? हर कार्टून में कितने एप्पल आ सकते हैं? 216 एप्पल को लिखेंगे और रॉ एप्पल। एक कार्टून में कितने एप्पल आ सकते हैं आपके पास? हाउ मच इट वाज मेंशन 216। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है हाउ मेनी कार्टून्स रिक्वायर्ड है लिखेंगे। सो नंबर ऑफ कार्टून रिक्वायर्ड आपको हम क्या करेंगे, 3699216 को आप डिवाइड करेंगे 216। आप आपस में क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा आपके पास अपने कार्टून्स आ जाएंगे। फाइन, अब आप डिवाइड करके खुद दे दीजिएगा इस सम को और आपने इसका आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सम, फोर सम। फोर सम मीन्स find the lowest number that must be subtracted from 637054 so that the difference is exactly divisible by 326. आप देखिए वैसे तो इसमें हिंट भी दे रखा है, find the remainder of dividing this। हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। सेम क्या करेंगे, 637054 को आप डिवाइड करेंगे किस नंबर से, ठीक है। आप 326 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपके पास क्या होगा, आपका आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट है फिफ्थ सम। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर इन एन 1 आवर। हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दैट किलोमीटर एट द सेम स्पीड, ठीक है। तो सेम जैसे हम लोगों ने थर्ड सम किया था, एज इट इज नंबर ऑफ क्विक सम, टोटल डिस्टेंस, टोटल कार कितना डिस्टेंस कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कवर टोटल कितना डिस्टेंस कार कवर करती है आपके पास करती है 5, 6, 8, 75 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बता रखा है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, कार कवर्स इन 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, कार 175 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी आर्स, हम कहेंगे आर्स, टोटल आर्स इक्वल टू टोटल आर्स से निकालेंगे 5, 6, 8, 7, 5 को आप 175 से डिवाइड कर देंगे, 5, 6, 8, 7, 5 डिवाइडेड बाय 175, तो आपका आंसर आएगा आपके उसमें आर्स निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कस्टमर पेज 31,000 रुपीज फॉर 248 कॉपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। कि कितने कॉपीज के कितने पैसे देगा वो, 248 कॉपीज के कितने पैसे देगा वो, 31,000
वन कॉपीज पे कैसे करते हैं, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर टू 48 कॉपीज कस्टमर पेड आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन सा, फाइंड सिद्धू एवरेज स्कोर पर इनिंग, ही स्कोर 9750 रन्स इन 78 इनिंग्स, ठीक है। Sidhu runs in 78 innings. 78 innings में से दूरी कितनी रन थे? आपके पास कितने थे? 9750. ठीक है? फिर ले क्या निकालना है? तो एवरेज रन इज, एवरेज सिंगल इज 9750 डिवाइडेड बाय 78, तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट तो क्या बन जाएगा, कितने टाइम्स नाइन लिखोगे? सेवन टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये बन गया आपके पास ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर। और आपको क्या करना है, दूसरा ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विल बी 99। आपको देखना है एक्चुअली डिविजिबल है या नहीं है, हम क्या करेंगे इसको से डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर सही आता है, ठीक है, जो भी आपके पास आंसर होगा तो वो नंबर क्या होगा वो बता देगा कि ये डिविजिबल है या नहीं। अगर आपके पास कुछ रिमाइंडर नहीं बचता तो ये नंबर डिविजिबल है, और अगर रिमाइंडर बचता है तो आपके पास नंबर डिविजिबल नहीं है। तो मैंने आज आपको बताया 2.4 करवाई, आप सब बच्चों ने 2.4 तक कम्प्लीट करना है अपनी कॉपीज में। मंडे को आपने मुझे सेकेंड चैप्टर का टेस्ट देना, ओके बेटा, कम्प्लीट 2.1 से लेके 2.4 तक अपनी कम्प्लीट करो, एज आपने मुझे होमवर्क भी सेंड करना है, प्लस हम मंडे को 2.4 का टेस्ट भी लेंगे। ओके बेटा।